हाय गाइस, कैसे यार आप सब। बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मेरा व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। ना गणेश टॉक वर्ल्ड पे वीडियो आ रही है, ना संचित की दुनिया पे वीडियो आ रही है। यार कभी कभी हो जाती हैं कुछ चीज़ें ऐसी जैसे जिनसे आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे ही कुछ हुआ हमारे साथ। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा एंड बस सही है भाई, है ना। रॉक्सी इज नो मो विद अस। बहुत अच्छी जर्मन शेफर्ड थी, बहुत ही अच्छी बच्ची थी यार। मेरे एक मित्र हैं, मेरे फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे, आप पहले सब्सक्राइबर थे, अब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उनके फूफा जी के यहाँ रहती थी रॉक्सी। तो अभी आप में से कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं तो वो लोग जानते हैं कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले पिक्चर्स डाली थी एक जर्मन शेफर्ड फीमेल की जिसका नाम रॉक्सी था, एंड पैंथर की मेटिंग की वीडियो फोटो थी वो, है ना। पैंथर ने मेटिंग की थी तो बहुत अच्छी बच्ची थी यार। आप देखोगे बहुत ही बड़ा हेड, बहुत बड़े पंजे। एंड एक और चीज़ है, आपको शायद अजीब लगे थोड़ा, लेकिन वो जो फीमेल थी रॉक्सी जो थी, वो बच्ची एटलीस्ट 3-4 इंचेस ऊंची थी पैंथर से। आप सोच रहे हो, मतलब 3-4 इंचेस हाइट में ज़्यादा थी पैंथू से। मतलब सोचो फीमेल के हिसाब से कितनी ज़्यादा हाइट थी उस बच्ची की, है ना। तो बहुत शानदार बच्ची थी, सब कुछ था, एंड लगाव उससे इसीलिए इतना ज़्यादा हो गया यार क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ना एग्रेसिव थी। तो जो मेरे फ्रेंड थे जब वो यहाँ लाए थे, तो मैंने जब उसको देखा कि वो बहुत एग्रेसिव है, तो उन्होंने भी कहा कि भैया आप इसको 2-3 दिन रख के देखिए। तो मैंने भी कहा ओके आई कीप हर। उसको रखा बहुत प्यार से 2-3 दिन, और बहुत अच्छी थी यार, खाती थी, है ना। कुछ पिक्चर्स हैं मेरे घर की, मेरे बेड पे बैठी थी वो, है ना, मेरे टीवी के पास। तो वो पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप हैं तो शायद आपने देखी होंगी। बहुत बहुत शानदार GST थे यार, है ना। तो अब अगर उसकी डेथ नेचुरली होती या शायद थोड़ा कम पेनफुल भी होती ना, तो मे बी मूविंग ऑन वॉज अ लिटल ईजियर फॉर मी। हुआ क्या कि जो फूफा जी हैं जिनके पास वो थी, मैं भी उनको फूफा जी ही कहता हूँ, तो जिनके पास वो थी, वो उसको टहलाने ले जाते थे। लगभग 3.5 साल की फीमेल थी, हमेशा से ही उसी ट्रैक पे जा रही थी, बचपन से ही जाती थी, ठीक है, याद आने लगती। तो बहुत ही अच्छी फीमेल थी यार, एंड जहाँ पे वो ले जाते थे वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक था, एंड हमेशा ही जाती थी यार, हमेशा ही जाती थी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन आई, वो उसको बुला रहे थे, वो थोड़ा दूर थे क्योंकि ऑफ लीश ही ले जाते थे। उधर ट्रेन के ट्रैक वाले साइड काफ़ी ज़मीन खाली थी तो वो उधर लेके जाते थे, तो थोड़ा दौड़ भाग लेती थी। काफ़ी एथलेटिक थी, बहुत ही एकदम एथलेटिक थी, बहुत अल्टीमेट थी, है ना। तो अब क्या हुआ कि वहाँ गई एंड ट्रेन आ रही थी, एंड फूफा जी थोड़ा दूर थे, जब ट्रेन आई तो वो ट्रैक के बीचों बीच खड़ी हो गई। तो अब उन्होंने बुलाया, तेज़ दौड़े उसकी तरफ, लेकिन ट्रेन इतनी तेज़ थी, वो कुछ ब्लैंक टाइप की हो गई, है ना। डॉग्स में कभी कभी हो जाता है, रोड एक्सीडेंट्स में भी आप देखो, अगर कोई बच्चा छोटा खड़ा होता है, गाड़ी आती है, तो वो ब्लैंक हो जाता है, होपलेस टाइप का हो जाता है। तो कुछ वैसा ही शायद रॉक्सी के साथ हुआ। एंड आप सोचो 3 साल, 3.5 साल की फीमेल थी वो, 3.5 साल से वो उसी ट्रैक पे डेली जाती थी, एंड सिर्फ उसी दिन शायद जो लिखा था वो हुआ। तो बहुत ही ये वीडियो प्लीज़ छोटे बच्चे ना देखें, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू बेटा, है ना। अभी कुछ ग्राफिक इमेज आने वाली है तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप लोग मत देखिए, है ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको शायद देख के। तो काफ़ी मतलब काफ़ी दर्दनाक, जिसको बोल सकते हैं काफ़ी पेनफुल डेथ हुई उसकी, एंड
हाथ वात कट गए, मुंह भी आधा कट गया है। तो बस वही जो भाई हैं उन्होंने कॉल किया एक दिन सुबह सुबह, ही वॉज इन टीयर्स, वो भी रो रहे थे। एंड उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो गया, मुझे भी उसके हाथ को समझ में नहीं आया। एंड ऑफ लीश ले जाना गाइस, भाई मैं जब लेके जाता हूँ ऑफ लीश तो मैं अपने घर के हमेशा पीछे ले जाता हूँ, एंड हमेशा उस टाइम ले जाता हूँ जब कोई व्हीकल नहीं आता है, जब कोई इंसान जगह भी नहीं होता है, मोस्टली सुबह 6 बजे या रात में, आपने देखा होगा 2-2 3 दिन बजे टहलाता हूँ मैं। वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ पैंथू को ही टहलाऊँ, भालू के साथ आपने देखा है भी दिक्कत है। तो बहुत ज़्यादा यार डर गया मैं कि कहीं मेरी वजह से लोग ऑफ लीश ना घुमाने लगे, कहीं कुछ दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ मैं आपको कई वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ ऑफ लीश अगर ले जाओ तो बहुत ध्यान रखिए, है ना। एंड फूफा जी तो बिल्कुल, आप समझ रहे हो, द गिल्ट, मतलब जो है, जो उनके अंदर है ना गिल्ट, बहुत यार सॉलिड चीज़ है यार, मतलब समझ रहे हो, दिस टाइप ऑफ गिल्ट इज इनफ टू किल यू। वो रोज रात को अल्कोहल ले रहे हैं, एंड ही इज इन टीयर्स, एंड ही इज क्राइंग लाइक हेल, ही इज इन पेन, ही इज लाइक मेरी वजह से हो गया, मैं वहाँ लेके जाता था, मुझे नहीं ले जाना चाहिए था, मेरी बच्ची चली गई, एंड माय गॉड, मतलब देख भी नहीं पाएगा कोई आदमी उनको, है ना। तो ऐसी कंडीशन में है वो, ही इज गोइंग फ्रॉम सम मेंटल ट्रॉमा एंड ऑल, है ना। काफ़ी बड़ा झटका होता है यार, बच्चे की तरह पालो एंड ऐसा हादसा हो जाए अभी आपकी आंखों के सामने, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, है ना। तो कई सारे लोग हैं जिनकी गणेश डॉग वर्ल्ड पे वीडियो डालने के लिए प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन भाई सच मानो बहुत बार कोशिश की, नहीं हो रहा था यार, मतलब हाथ पैर नहीं मान रहे थे यार कैमरे के सामने आने के लिए। तो कई लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनके शायद मैं मैसेजेस कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे पाया, स्पेशली एक भाई हैं दिल्ली से जो कई बार ग्रेट डेन और जर्मन शेफर्ड की वीडियोस डलवा चुके हैं, वो समझ जाएंगे मेरी वीडियो से। तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। अनुराग भाई हैं जिन्होंने मिष्टी का पप खरीदा था, उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, उनको सॉरी बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शायद परेशान है इस चीज़ से कि भाई फ़ोन उठा लो, वीडियो डाल दो। तो आई एम सॉरी, वेरी सॉरी भाई, ऐसा ऐसा था। एंड मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मेरा कोई पर्पस भी नहीं था ये वीडियो बनाने का, बस यार ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये वीडियो डालूंगा नहीं ना, अगर मैं आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाऊंगा, तो शायद मैं कभी मूव ऑन कर नहीं पाऊंगा अच्छे से, है ना। तो अब आप लोगों तक ये बात पहुंचा के आई एम फीलिंग अ लिटिल लाइट, थोड़ा सा बोझ शायद मेरे सीने से हट गया, एंड मेरी वजह से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आई ट्राई टू अपलोड सम वीडियोज़ ऑन गणेश टॉक वर्ल्ड, जिन लोगों की वीडियोज़ अटकी हुई हैं भाई सॉरी, एंड आपकी वीडियोज़ मैं आज डाल दूंगा, है ना। फ़ोन शायद अभी भी मैं ना उठा पाऊँ भाई आप लोग का, आई एम वेरी सॉरी, मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है ना। मूविंग ऑन इज़ द ओनली ऑप्शन एंड टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, सिर्फ टाइम ही यार सही करता है चीज़ें, और तो दूसरी कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो गाइस क्या बोलूँ यार, मतलब स्पीचलेस, तो ज़्यादा नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो सुनने के लिए। आई लव यू ऑल यार, मतलब बस एक है पता कि हैं चंद लोग जो प्यार करते हैं और मेरी बात सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे, और जिन पे मैं पूरा ट्रस्ट करके उनको अपनी बातें सुना सकता हूँ, शिकायतें नहीं होंगी उनको, वो अच्छे से सुनेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, है ना। थैंक यू सो मच यार गाइस, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अगर ऑफ लीश घुमाइए तो प्लीज़ बहुत सावधानी बरतिए, ठीक है, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।